عجب غم کی دھمک دل پر پڑی ہے رخشی آواز دے حضرت گل چور آگئے تمہاری رانی کو لے کر جا رہے ہیں وہ گلی میں دیکھو رخشی کی آواز ہے جلدی اٹھو حضرت گل تجھے کہہ رہی ہوں اور اسے دیکھو کیسے ارمانوں سے سوئی ہے اس کو تو کچھ ہوش ہی نہیں ہے اٹھ جا اٹھ کہتی ہوں میں اوئے نیاز پری سونے دو زرینہ کو کیوں آدھی رات کو تنگ کر رہی ہو اس کو تو میں ابھی دیکھتی ہوں یہ لو یہ تو بستر پہ ہی نہیں ہے حضرت گل تجھے کتنی دفعہ میں نے کہا ہے تو نے اس کو سر پر چڑھا رکھا ہے دیکھو بستر میں غیب ہے جا کر رکشا سیکھ رہی ہے مجھے سب پتہ ہے اس کا پری تو غم نہ کر سو جا آرام سے آ جائے گی وہ آ جائے گی کیوں صبح اس نے اسکول نہیں جانا کیا امتحان میں نہیں بیٹھنا اس نے میرا خیال ہے اور استادوں نے اسے رکشہ چلوانا ہے کیا زرینے ارے کمبخت کیا کر رہی ہو یہ اس وقت رکشے کے ساتھ کیا کر رہی ہو کیوں ایئرپورٹ جا رہی ہو کیا وہ تمہارے ماموں دبئی سے آ رہے ہیں تیرے لیے میرا خیال ہے سونے کی چوڑیاں لے کر اندر آ سو جا صبح اسکول جانا ہے تُو نے وہ اصل میں نا بابا نے صبح سویرے جانا ہوتا ہے نا تو دھند بہت ہوتی ہے تو میں نے کہا کہ بابا کو راستہ نظر نہیں آئے گا اچھا تو کیوں تمہارے بابا کوئی اندھے ہیں کہ اسے نظر نہیں آتا جلدی آ بہانے نہ بنا کمبختے زان دے شرمولے دے جلدی اندر آتی ہوں سملا سو رہی ہوں نا ہٹلر کی طرح ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے ہٹلر مورے سملا بند کرو آنکھیں اور سو جاؤ چپ کر کے خبردار جو اٹھی تو زرینے بچے دائیو پراٹا پکے مر گرو دادا آگئی لور کے اے لے ونے یا اللہ سو مصیبت دے نظر مکڑے
न्यास परी देखो तो ये बिजली वालों ने कितना बिल भेज दिया मुझे, ऐसे जैसे मेरे घर में तो सिलाई मशीनों का कारखाना चल रहा है। अरे नहीं, खुदा का खौफ नहीं है, अगर इनके बस में हो ना तो हवा का बिल भी भेजें जिसमें हम सांस लेते हैं। मैंने सुना मुल्क से बिजली पानी गैस सब खत्म हो रहा है, आए खैर पर वो बेचारे भी क्या करें। अरे मखलूक ही खुदा की इतनी बढ़ रही है, शुक्र कर तेरी एक ही है पर वो भी 10 पर भारी है। अरे मेरी जरीने जैसी तो कोई है ही नहीं है, वो तो अपने बाप की लाडली है। अरे मैं तो उसे कहती हूँ बुरका पहन ले, चीखती चलाती रहती हूँ कि बुरका पहन, वो बुरका उठाकर फेंक देती है, कहती है मजा ले मेरी तरफ कोई मेरी नज़र से देखे तो सही। ये आरफा के रिक्शे के पैसे हैं, कुछ पैसे इसमें कम हैं पर मैं तुझे जल्दी पूरे कर दूँगी, सिलाई का काम आजकल मुझे बहुत मिल रहा है। हमारा फ़र्ज़ बनता है, मगर तुमसे क्या पर्दा, रोज़ाना रिक्शों को वर्कशॉपों में लेकर जाना पड़ता है, गुजारा कहाँ होता है। ये कुछ पैसे जो महीने के मिल जाते हैं इसी में बच्चों के लिए आटा गूंद लेती हूँ। मुझे अपने हालात बताने की ज़रूरत नहीं है तुझे, अरे मैं सब जानती हूँ, तेरे मेरे हालात एक जैसे ही तो हैं। सच्ची बात बताऊँ परी, मैं नहीं चाहती कि हमारे हालात की वजह से आरफा की पढ़ाई छूट जाए। अरे जैसे तैसे वो 8 जमातें तो कर ले बेचारी। अरे 8 क्यों, 10 जमातें करे और मेरी बेटी खैर से 14 जमातें कर ले। आमीन सुम आमीन। इतनी देर कर दी तुम लोगों ने। बाबा जरीने को चोट लगी है, वो ग्राउंड में खेल रही थी। ओहो बच्चे उसको समझाओ, खेल के मैदान में वही गिरता है जिसे जीतना हो। अरे ये मामूली चोटें तो लगती रहती हैं। चलो जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, बैठो बैठो। ओहो आई बाबा। क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं बाबा, पता है क्या, मैंने आज बहुत बड़ा कारनामा किया। वो ये पलवशे नहीं है ना, ये मेरे साथ फुटबॉल खेलना चाह रही थी लेकिन उसने बुरका पहना था तो वो नहीं खेल सकी थी। मैंने ये उसका बुरका लिया ना और दूर वहां फेंक दिया और उसके साथ खूब मैंने फुटबॉल खेला। क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मेरे बाबा गए वहाँ। जब गम की धमक, जब गम की धमक। जरीने, ओ जरीने जल्दी आओ, तुम्हारे बाबा आने वाले हैं। जरीने 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 जरीने, पता नहीं कहाँ घर को जाती है ये लड़की। तो ओहो मोजान, ये लो साहब। हाँ गोडी कर रही थी मैं वहां पे ना, तो ये टाइम गोडी करने का है कि स्कूल से आती हो तो इन कामों में लग जाती हो? स्कूल का काम कर लिया तूने?
पहले मैं जाके ना वो ज़ारा थ्रोन नहीं है उसकी बच्चियों को मैं होमवर्क कराऊंगी कर लूंगी मैं भी स्कूल का काम। अच्छा तो तू ऐसे जाएगी बगैर बुरके के? कितनी बार तुझे कहा है कि तू जवान हो गई है बुरका पहन कर जाया कर। मेरा नाम जरिंजान है जरिंजान, आई ना बात समझ में? किसी की मजाल है जो मुझे मेली आंख से देखे, एक रख के लगाऊंगी उसको कान के नीचे। हाँ सबर कर, आज तेरे बाप को आने दे, सारी शिकायत लगाऊंगी तेरी। लो आ गए तुम्हारे बाबा। न्यास परी क्यों उस गरीब के पीछे हर वक्त पड़ी रहती हो तुम? इसने भी जरूर कोई ना कोई शैतानी की होगी, है ना? आपको क्या पता है ये कितना मुझे तंग करती है, आप ही ने सर पर चढ़ा रखा है। न्यास परी कद्र करो इसकी, ये है तो तेरे और मेरे घर में रौनक है, जब ये चिड़िया उड़ गई ना तो सन्नाटा छा जाएगा तेरी और मेरी जिंदगी में, इसे कुछ मत कहा कर तू। बाबा आप भी कमाल करते हैं, तारीफ करते करते कैसी बात कर दी, मैं चिड़िया थोड़ी जो फूट जाऊंगी। मेरी बच्ची अल्लाह ना करे, लेकिन बेटियों को एक ना एक दिन तो अपने घर जाने ही होता है। नहीं मैंने कहीं नहीं जाना अपने बाबा को। चल झूठी, मुझे पता है तुझे मुझसे नहीं रानी से प्यार है। अगर तेरा बाबा रिक्शा ना चलाता होता तो फिर मैं देखता कि तू अपने बाबा से कितना प्यार करती है। स्कूल तो जाती है लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं करती, ग्राउंड में खेलती रहती है। हाँ तो तू जल्दी क्यों है? बस का यो गस जबा देदा। और हाँ बाबा तूने ये कैसे समझ लिया कि मैं इसलिए आपसे प्यार करती हूँ क्योंकि रानी आपकी है? बल्कि मैं तो रानी से इसलिए इतना सारा प्यार करती हूँ क्योंकि रानी के मालिक आप हैं। मेरी बच्ची गुल आते वक्त मूंगफलियां और ले आना, बड़े शौक से खाती है। और हाँ बाबा भूला नहीं है सुबह मैंने स्कूल जाना है। अरे बेटा कल तो आपकी छुट्टी है। लेकिन आजकल ना हमारे प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं, जो टीचर कह रही थी ना कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी है। चलो ठीक है, वापसी पे वो जो तुम्हारी स्कूल के पास मार्केट नहीं है वहाँ से दो चीजें आने के लिए लेते आएंगे। हाँ याद आया, वो रंग वाले से मेरा दुपट्टा भी ले आना। लो तुम्हारी माँ की फरमाइशें शुरू होगी, कभी मूंगफली ले आना कभी रंग वाले से दुपट्टा लेना। इसने ये कभी नहीं कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए खुद आ जाना। ले आ तो जाते हो। कहाँ जा रहे हो बाबा? बेटा तुम्हारी अम्मी ने रंगने के लिए दुपट्टा दिया था वो मैं ले आऊं, और हाँ देखो शैतानी कोई ना हो। अच्छा मैं अभी आया। खाली है? खाली है, जाना है तो चलें। जी बिल्कुल चलते हैं, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। पहले मैंने थाने जाना है, वहाँ पे एक पड्डा निपटाना है, और उसके बाद जहाँ आप कहेंगे मैं आपको ड्रॉप कर दूंगी। नहीं शुक्रिया। अरे अरे बात तो सुनो। यहाँ क्या कर रही हो? निकलो यहाँ से, यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो मेरे बाबा गए वहाँ। इससे पहले कि दूसरा धमाका हो यहाँ से निकलो।
आप लोग कहाँ थे अब तक? और तुम्हारा बाबा कहाँ है? क्यों जवाब नहीं दे रही हो? तुम्हारा बाबा कहाँ है? कब से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कहाँ रह गए थे तुम लोग? अरे कुछ बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हूँ? कहाँ है तुम्हारा बाबा? बोलो ना, तुम्हारा बाबा कहाँ है? बोलो, बोल रही हो, बोलो ना, कहाँ है बाबा तुम्हारे? कुछ पता नहीं चल रहा मुरझान, कुछ पता नहीं चल रहा मामा का। वो मार्केट में ना धमाका हो गया। पड़ी है उदासी आँखों से झांकती है। ससुराल में जाके तू झाड़ू पोछा ही करेगी ना, बर्तन मांजेगी, तो दो वक्त ही तुझे रोटी मिल जाएगी। रोटी तो नसीब से मिलती है मुरजान। हाँ, इज्जत से जीने के लिए सर उठाना पड़ता है। जब गम की धमक, जब गम की धमक, मेरी तो जिंदगी उजड़ गई है, मैं तो बर्बाद होकर रह गई। वो परी बहन, मुझे तुमसे एक बात करना थी, अगर तुम बुरा ना मनाओ तो। बोलो। देखो, मैं तुमसे कभी तस्करा ना करती, लेकिन तुम तो जानती हो ना गुल के अब्बा को। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे बाबा आ गए क्या? बाबा कैसे आ सकते हैं मोरजान, वो तो दूर आसमान में सितारा बनकर चमक रहे हैं। वो जो आज आई थी अपना जरा थ्रो, क्या कह रही थी वो? तू अभी तक सोई नहीं, क्यों जाग रही है? मोरजान, मुझे कैसे नींद आ सकती है, और आप उनसे कुछ छुपा रही हैं। जाओ जल्दी सो जाओ, मैं कहती हूँ, चलो। तुझे बताना पड़ेगा मोरजान, बताए मुझे। मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं कहती हूँ सो जाओ जाकर। आपको मुझे बताना पड़ेगा, बताए ना मोरजान, आप बताए ना, क्या कहा खाला ने, बताए ना। ये तो मुझे भी पता नहीं था, जारा के आदमी की जमानत पर तेरे बाबा ने किसी खान से रक्षा किश्तों पर लिया था। अब वो मालिक रक्षा वापस मांग रहा है। तेरे बाबा की कुल पर सब औरतें यही कह रही थी कि जरीने जवान है, बाप का साया सर पर नहीं है, तू इसकी हिफाजत कब तक करती रहेगी? घर में दो औरतें हैं, मर्द कोई नहीं, किसी की आंख मैली होने में कोई देर नहीं लगती। एक ना एक दिन तो तुम्हारे हाथ पीले करने हैं ना, तो अभी से क्यों नहीं? देख बेटा, यतीम बच्ची के नसीब में यही हांडी चूल्हा होती है। ससुराल में जाके तू झाड़ू पोछा ही करेगी ना, बर्तन मांजेगी, तो दो वक्त ही तुझे रोटी मिल जाएगी। रोटी तो नसीब से मिलती है मुरजान। हाँ, इज्जत से जीने के लिए सर उठाना पड़ता है।
और बाबा मुझे इसलिए तो स्कूल नहीं भेजा करते थे कि मैं भेड़ बकरियों की तरह किसी भी कोटे से बन जाऊं। झांकती है ये किस मंजर में तुमने साथ छोड़ा, मेरी तस्वीर आधी रह गई है। खबरदार जो तूने रक्षे को हाथ भी लगाया तो। मोरे रिक्शा वापस नहीं होगा, कर्जा वापस हो जाएगा, तू गम ना कर। मोरे आपको याद है बाबा कहा करते थे, रहम बांटते हैं समेटते नहीं। अल्लाह दे मलशा बचे। ओ भाई कहाँ जा रहे हो? वापसी का रास्ता तो इधर है, यहाँ तो स्टाफ की गाड़ियां खड़ी होती हैं। सलाम काका, मैं हूँ जरीन जान। खुद रक्षा चला के आई हो? जी काका, पहिए ने तो चलना होता है। आज के बाद ये रिक्शा यहाँ पार्क होगा और जब स्कूल की छुट्टी होगी तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊँगी।